मध्य प्रदेश के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस बीजेपी में आ रही है, यहां तक कि लोकसभा प्रत्याशी तक भाजपा में आ रही है, ऐसे में कांग्रेस के पास अब कुछ बचा नहीं है। सब कुछ ठीक रहा तो 7 मई तक कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी भाजपा में आ जाएंगे। सुनिए पूरी कहानी मंत्री गोविंद सिंह की जुबानी। फूटा है और कांग्रेस का प्रत्याशी भाजपा में शामिल है। देखिए, मैं तो राजनीति के मेरे पूरे जीवन में पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि लोकसभा के प्रत्याशी भी अपना नामांकन वापस ले रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं और भाजपा के लोकसभा के प्रत्याशी निर्विरोध हो रहे हैं। जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, मध्य प्रदेश में इंदौर में जो हुआ है, तो इंदौर का कांग्रेस का प्रत्याशी पूर्णतः जीतू पटवारी कांग्रेस के अध्यक्ष का प्रत्याशी था। मैंने जहां तक ये भी सुना है, कांग्रेस के कई लोगों ने मना किया था कि इसको टिकट मत दो, लेकिन जीतू पटवारी अपनी जिद पर उसको टिकट दिलाया और आज जब उसने कांग्रेस छोड़कर प्रत्याशी पद ही छोड़ दिया। जीतू पटवारी हमेशा आरोप लगाते हैं कि ये बिक गया, जो भी कांग्रेस से भाजपा में गया बोलते बिक गया। तो अगर ये भाजपा कप में जो आए हैं बम जी, जो कांग्रेस से भाजपा में आए हैं, अगर ये बिक गए तो बिकने का सौदा क्या जीतू पटवारी की सहमति से हुआ होगा? आज उन्हें बोलना चाहिए, आज वो बिकने की बात बोलना बंद कर दी। तो मुझे तो ये लगता है कि पूरे देश में आज लाखों की तादाद में लोग कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ रहे हैं और ये क्रम इसी तरीके से जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं है, 7 तारीख आते आते मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी भी भाजपा में ना आ जाए। मेरा सोचना है। सत्य खबर, ब्यूरो रिपोर्ट। सत्य सटीक बेबाक।